स्वामी रामदेव जी, थैंक यू सो मच फॉर टाइम एंड स्पीकिंग टू ब्लूमबर्ग क्वीन. यू नो, अब आपने जो रुचि सोया का जो एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है, मुझे जानना है कि आपके टारगेट्स क्या हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ की इस फाइनेंशियल ईयर में और अगले ग्रोथ एरियाज के लिए. देखिए, पहली बात तो ये है कि पतंजलि के बारे में कुछ नेशनल इंटरनेशनल एजेंसियाँ, कुछ ऐसे प्रिंट और मीडिया, कुछ सोशल मीडिया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अलग अलग जगह ये अफवाहें फैलाई गई, कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए गए कि पतंजलि जो है वो कंपटीशन में नहीं रहा, पतंजलि में डी ग्रोथ हो रहा है. पहली बात तो ये कि पतंजलि जिस भी कैटेगरी में था, चाहे हेयर केयर में था, चाहे डेंटल केयर में था, चाहे स्किन केयर में था, चाहे फूड में था, चाहे वो हमारा हनी में था, या अलग अलग जो कॉस्मेटिक के हर्बल कॉस्मेटिक के, जो अलग अलग हमारे नेचुरल फूड के, नेचुरल मेडिसिन के, जिस भी सेक्टर में हम थे, हमने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है. 1% भी हमारा मार्केट शेयर हमने लूज नहीं किया. एक बात. दूसरी बात, जो लोग बकवास कर रहे थे पतंजलि के बारे में कि पतंजलि तो नीचे जा रहा है, 4,500 करोड़ रुपए की कंपनी, माने FMCG के सेक्टर में भारत के, आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा एक्विजिशन हमने करके दिखाया. तो लोग गलत फहमियाँ बहुत फैलाते हैं. मैं उनको एक ही उत्तर दूंगा. कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव बात करते रहते हैं, नेगेटिव बात करते रहते हैं और दुष्प्रचार करते रहते हैं. हम अपना काम करते रहते हैं और हमने पतंजलि में करके दिखाया. रुचि सोया का टेक ओवर किया. इस बार भी पतंजलि की पिछली बार से ज़्यादा ग्रोथ होगी. रुचि सोया की भी अभी 13,000 थी, इस बार 15 के आसपास पहुंचने की उम्मीद है. दोनों मिला करके, पतंजलि और रुचि सोया मिला करके, ये 20 से 25 हज़ार करोड़ के बीच में होंगे. और आने वाले वर्ष का हमारा सपना है कि हम FMCG का सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पर यूनिलीवर है, उसको भी क्रॉस कर जाएंगे. बिल्कुल सर. और आपने बताया कि आप जो ग्रोथ देखना चाहते हैं वो 300% के ग्रोथ रेट से आप आने वाले पाँच. सो आप और एक्विजिशन की तरफ देख रहे हैं और क्या प्रोडक्ट लाइनअप से आपके? देखिए, तीन बड़े हमारे इनिशिएटिव इसमें. एक तो पतंजलि और ऋषि सोया का इंटीग्रेटेड कुछ प्रयास होंगे. जैसे कुछ प्रोडक्शन कैपेसिटी पतंजलि के पास है, उसको हम यूटिलाइजेशन रुचि के लिए करेंगे. कुछ रुचि के पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसका हम इधर यूटिलाइजेशन करेंगे. दूसरा, पाम प्लांटेशन का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. हम जो है 500,000 हेक्टर तक जा सकते हैं पाम प्लांटेशन में. तो रुचि सोया की ग्रोथ आप सोच नहीं सकते. माने उसकी जो मार्केट कैप, यदि आप उसको बोले तो 50,000 से 1,00,000 करोड़ के बीच में अकेले रुचि सोया की हो जाएगी, खाली अकेले पाम प्लांटेशन है. फिर हम कुछ नए प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं. जैसे महाकाश आप देख रहे हैं, ऐसे हमारे पास में जो है रुचि गोल्ड, रुचि स्टार, सोयम और जो है अलग अलग हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सन रिच. और ऐसी महाकोश अपने आप एक बहुत बड़ा ब्रांड है. दूसरा एक बहुत बड़ा ब्रांड है न्यूट्रिला. न्यूट्रिला में हम 3 नए प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, वो भी 1,000 करोड़ का टर्नओवर करने का की ताकत रखते हैं. एक होगा न्यूट्रिला गोल्ड, जो कि यहाँ पर जो एडिबल ऑयल्स में सफोला गोल्ड एक बहुत प्रीमियम ऑयल करके बिकता है, उसको हम टक्कर देंगे. न्यूट्रिला हनी लेकर के आ रहे हैं और न्यूट्रिला हाई प्रोटीन आटा लेकर के आ रहे हैं. तो ये 3 नए प्रोडक्ट हैं. ऐसे हम कुछ इनोवेटिव काम करते रहेंगे और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का 100% यूटिलाइजेशन करेंगे. अभी जब से इम्पोर्टेड पाम ऑयल पर बैन लगा है, तो उससे हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी भी करीब डबल इस्तेमाल कर सकेंगे. 36 लाख टन पर ईयर प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास में. क्रेशिंग कैपेसिटी हमारे पास में 32 लाख टन की सोया की क्रेशिंग कैपेसिटी. इसी तरह से मस्टर्ड की क्रेशिंग कैपेसिटी, उसको कुछ बंद पड़ी थी, उनको हमने चालू कर दिया. तो कुल मिलाकर के ऐसे कई दिशाओं से हम प्रयास करेंगे. और पतंजलि और रुचि सोया देश के सबसे बड़े FMCG के ब्रांड आने वाले 2-3 साल में हो जाएंगे. 2025 तक तो पूरी दुनिया में पतंजलि और रुचि सोया जैसा कोई नहीं होगा. एंड आखिरी सवाल सर, लिस्टिंग के लिए, पतंजलि के लिए आप रिवर्स लिस्टिंग के लिए भी देख रहे हैं? देखिए, रुचि सोया अभी लिस्टेड है, उसका 99% पतंजलि के पास शेयर है. 2.5 साल में उसको थोड़ा लिक्विडेट करना पड़ेगा, 20-25% वो हम करेंगे. अभी पतंजलि के लिस्टिंग के बारे में कुछ नहीं सोचा है, लेकिन रुचि सोया लिस्टेड है, लिस्टेड रहेगी. और वो लिस्टिंग में भी जब हम लिक्विडेशन में जाएंगे 20-25% शेयर, तो वह आसमान छुएगा उसकी कीमत. एंड कौन से एरियाज हैं जो आर्थिक स्थिति इम्प्रूव करने के लिए सरकार को फोकस करना चाहिए? देखिए, एडिबल ऑयल तो सबसे बड़ा है. इसके बाद में खाड़ी देशों पर जो निर्भरता है एनर्जी की, उसको हमें हटाना पड़ेगा. ऐसी डिफरेंट सेक्टर्स में करीब 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर MNCs का
कब्जा है। तो हम ये चाहते हैं कि जितना देश को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाएंगे उतना देश की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी और जो है भारत दुनिया का मुकाबला कर पाएगा। स्वामी राम जी, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। नमस्ते।